हेलो मारुफ, कहाँ मर गई थी? सुबह से 3 बार फोन कर चुकी हूँ मैं। कभी तुम्हारी बहन फोन उठाती है, तो कभी तुम्हारा भाई फोन अटेंड करता है, और बार बार यही बोल देते हैं बाजी अभी बात नहीं कर सकती। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अपने उन बदतमीज बहन भाइयों को बोल दो कि आज की बात फोन ना उठाए, और अगर उठाते तो मुझसे जरा तमीज से बात करें, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बस हाँ, अपने बहन भाइयों की ज्यादा हिमायत मत लो, बहुत ही बदतमीज है वो। ये कोई तरीका, उनको बात ही करनी नहीं आती। सो रही थी और मैं यहाँ फोन कर करके हलकान हुए जा रही थी। तुम्हें बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं है ना? ठीक है बेटा, अब तुम मिलोगी ना सीधा तुम्हारा गला दबाऊंगी, उससे पहले मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जाओ बाय। क्या फजूल बातों के लिए फोन किया? आधे घंटे से तुम चिपकी हुई हो, एक भी काम की बात नहीं की है तुमने। कम्मी, कोई काम की बात होगी तो करूंगी ना। फोन पे फोन तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई कयामत आ गई है। एक नंबर की निकम्मी हो तुम। अब वक्त की तो तुम्हें कदर ही नहीं है। सोती हो ना तो घंटों सोती हो, और उठती हो ना तो जबान चलाती हो, और जब तक दोबारा सो नहीं जाती ना, रुकती नहीं हो तुम। कब अक्कल आएगी तुम्हें? अम्मी आप ही इसको कुछ समझाएं, मैं तो थक गई हूँ इसे समझा समझा के, लेकिन इस लड़की की कोई बात समझ में नहीं आती है। अरे और कौन सा वक्त आएगा समझाने का, इतनी बड़ी हो गई है। रोजाना समझाती हूँ रोजाना, आज जाने दो इनके बाप को, फिर शिकायत करूंगी मैं इसकी। ऐसे तो इसकी समझ में आएगा नहीं। यार तुम पता है मैंने मारुख से बात करी थी, हम लोग फिर परसों मिलते हैं, ठीक है? देख लिया अम्मी आपने, अभी इतना समझाने पे भी फिर फोन पे लगी हुई। हल्के तो बोले, इतनी जोर जोर से बात कर रही हैं आप। हाँ हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ये बोल रही थी कि हम परसों मिलते हैं, ठीक है? क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मैं निम्रा की तरफ से परेशान हूँ, बड़ी लाउबाली तबीयत की मालिक है। अब सारी जिंदगी हमारे साथ तो नहीं रहेगी ना, ब्याह कर एक दिन घर भी जाना है अपने। कोई बात नहीं सुनती, हर वक्त जबान चलाती है। अरे तो वो अभी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। ये सब आपके लाड प्यार की वजह से बिगड़ी है, अब आप ना उसको बच्चा समझना छोड़ दें। खानदान की जितनी भी लड़की है ना इसकी उम्र की, सबके रिश्ते हो गए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कौन इसको पसंद करेगा, किससे इसकी शादी होगी। अल्लाह ने जहां इसका जोड़ बनाया ना, वही इसकी शादी होगी। और देखो, परेशान होने से मसले हल नहीं होते। तुम देखना शादी के बाद मेरी निम्रा कितनी समझदार हो जाएगी। जैसा आप कह रहे हो लग रहा है ऐसे ही। सब अल्लाह पर छोड़ दो, देखना सब बेहतर होगा। और हाँ, मेरे ऑफिस के कपड़े जरा इस्त्री कर देना। कर दिए, सारे काम निपटा के बैठी हूँ। अच्छा अच्छा भी। आपको तो बस रात को भी अखबार पढ़ना है, सारा दिन अखबार बस। अरे दुल्हन ये बहुत अच्छा किया, चाय बना लाई, बहुत दिल चाह रहा था मेरा चाय पीने को। हाँ अम्मी, मेरा भी ऐसी दिल चाह रहा। और अम्मी बहुत भूख लग रही है भाई, प्लीज जल्दी से नाश्ता दे दें। सो के उठ गई तुम? ये कौन सा टाइम है नाश्ता करने का है? लो दोपहर के खाने का वक्त हो गया है अब तो। भाई अब मुझे भूख लग रही है तो नाश्ता तो करूंगी ना, अभी उठी हूँ, जाहिर है खाना थोड़ी खाऊंगी। अभी उठूंगी ना तो बना दूंगी। अच्छा तो फिर जब तक चाय दे दें, चाय पी लेती हूँ। लो ये ही पी लो। अरे हाँ साइमा, तुमने अपनी भांजी की मंगनी कर दी ना, शाम में चलेंगे उसे मुबारकबाद देने के लिए, सही है? हाँ अम्मी, आपा ने ना अपनी नंद के लड़के से किए, लड़का पढ़ा लिखा है और किसी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर है, और आपको तो पता है कि आपा की बेटी कितनी सलीकेमंद है, और ऐसी लड़कियां खानदान में कौन छोड़ता है, ब्याह दी जाती है। एक मेरी बेटी है, सारे खानदान को इसके गुणों का पता है, कौन लाएगा रिश्ता? जो खुश नसीब होगा ना अम्मी वही लेकर आएगा। और तुम ना ये अपने जागने और सोने की रूटीन को सही कर लो, मोटी हो जाओगी वरना बहुत जल्दी। और है ना, मोटी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, लोग पसंद नहीं करते ऐसी लड़कियों को, समझ रही हो ना? दादी अब जिन लोगों की ऐसी सोच हो ना, मुझे भी उनके घर में शादी कर नहीं जाना। लड़का उनका कैसा भी हो लेकिन लड़की उन्हें हूर पर ही चाहिए। बेटे की शक्ल देखेंगे नहीं लेकिन चांद से दुल्हन लाने का ख्वाब जरूर देखते हैं।
मुझे भी ऐसे किसी बंदर की जाके ना गुलामी नहीं करनी, ना उसके घर वालों की। मेरी तरफ से तो दफा वो भी लड़का और उसके घर वाले। बड़ा अरे मेरे दोस्त सुमैरा, जिसकी बहन की पिछले महीने शादी हुई है, अरे क्या बताऊं, इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी, तमीजदार, इतनी दुबली पतली सी लड़की थी, लेकिन उसका शौहर, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, ऐसा था बनमानस की तरह, बहुत ही बुरा था अम्मी, बिल्कुल काला सा, अजीब सा। अम्मी इसको तो आप ही समझाएं। क्या अम्मी, आप पता नहीं कौन से जमाने की बातें करती हैं, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती आपकी बात। यहाँ मतलब फनी किस्सा सुनाया और इनको देखो पता नहीं क्या क्या भूलने बैठे। अम्मी देख लीजिएगा, इसको शादी के बाद पता चलेगा सब। देख लेंगे देख लेंगे। क्या यार, क्या सेम सेम बुक पढ़ कर बोर हो गई हूँ मैं, कुछ करने के लिए भी नहीं है। काश अम्मी फोन ही दिला देती मुझे, कोई तो टाइम पास होता। कौन बैल बजा रहा है, किसके घर की बैल बजे जा रही है पता नहीं इतनी देर से। हमारे घर की बैल, अरे भाई बैल पे हाथ रख कर ही छोड़ दिया, आ रही हूँ। मुसीबत है। अरे भाई बस करो, आ रही हूँ। बैल पे हाथ रख कर ही छोड़ दिया। जी क्या तकलीफ है आपको? मुझे शामीर से मिलना है। शामीर से मिलना है, तो उसके लिए तुम्हें बार बार बैल बजाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। एक बार बैल बजाते तो भी शामीर नीचे आ जाता। तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है, घर पर कोई सो रहा हो, कोई अपना काम कर रहा हो, तुमने तो डिस्टर्ब कर दिया, इतने बैल पे हाथ रख कर ही भूल गए। आप शामीर को बुला देंगी? उसके लिए वैसे तुम्हें उसूलन ये पूछना चाहिए कि शामीर घर पर है या नहीं, लेकिन तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें कहाँ अकल, ऐसे सवाल तो अकलमंद लोग ही करते हैं ना, लेकिन तुम्हारे पास तो मैनर्स ही नहीं है, जब तो तुम बैल पे हाथ रख कर भूल गए थे, है ना? क्यों, आप कौन है? अरे मैं कोई भी हूँ भाई, तुम्हें उससे क्या मतलब? क्योंकि उनके घर में कोई इतना बदतमीज नहीं है ना, यकीनन हम उनकी कोई मासी होंगी। तुम्हारी तो मैं, तुम्हें बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। तुम भागो यहाँ से। राजेश चूहे के तुम्हें शिकायत। बाजी मेरे दोस्त सिर्फ आप कैसे हमारे घर नहीं आते, कहते हैं कि तुम्हारी बहन इतना फजूल बोलती है कि दिमाग खा जाती है। क्या तुम्हारे दोस्त, और एक बात बताओ तुम्हारे उन पागल दोस्त के पास दिमाग है भी, और अच्छा है ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा है जो हमारे घर नहीं आते। आते हैं ना तो पूरे ड्राइंग रूम का हशर नशर कर देते हैं, और अगर लाउंज में बिठा दो तो बैठना अजाब हो जाता है। कोई चीज रखो उनके आगे मिनटों में साफ कर देते हैं, सदियों के भूखे। अगर फ्रूट्स रख दो तो छिलके उधर उधर फेंक देंगे। अगर चाय रखो उनके आगे तो चाय की प्यालियां इधर उधर फेंक देते। मैं तो कहती हूँ तुम अपने दोस्तों को साफ साफ कह दो कि हमारे घर आए तो भाई सब कुछ खा पी कर आए अपने घर से। बस कर दे निमरा, खुदा की कसम अगर कोई इंसान तुझसे आधा घंटा बात करना चाहे ना तो उसका पूरा डेढ़ घंटा खा जाती है। हैं, थकती नहीं है बेटा इतनी बातें करते हुए? हैं, आप बिल्कुल निराली बात करती हैं, भला बताएं बोलने से कौन थकता है? दादी सही कह रही हैं, आपसे तो बाजी बात ही करना फजूल है। तो सुना, दिमाग खाएगी तो कौन बात करेगा तुझसे? मुझे सब सुनाई दे रहा है दादी, दिमाग खाएगी। क्या कर रही हैं? अरे अम्मी ये किसकी शादी का बुलावा है? जहांगीर की शादी का कार्ड है। कितना अच्छा लड़का था, मुझे और अम्मी को कितना अरमान था, लेकिन हमारा नसीब। जहांगीर वो पतला सूखा लंबा सा अजीब सा, अरे तौबा तौबा अम्मी, उससे तो बात करने तक की तमीज नहीं है। आप दोनों उसके लिए सोच रही थी? तुम्हारी नजर में तो सबसे बड़ा फन बातें करना है। तुम्हें पता है जहांगीर ने अपने वालिद के कारोबार में साथ दिया तो आज कहां से कहां कारोबार पहुंच गया उनका। वैसे अम्मी आप जो भी कहें, मैं तो ना अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि एक कन का जूड़ा तो ठिकाने लग गया। बेटा तुम्हारे बाप को आ जाने दो, मैं उसे बता दूंगी कि बेटी का दिमाग जो है ना वो सातवें आसमान पे पहुंच चुका है। शहजादों और बादशाहों को मधु कर लो, शायद कोई ने पसंद कर जाए। वैसे दादी एक बात बोलूं, शहजादों और बादशाहों का दौर ना अब नहीं है, बादशाहत खत्म हुए जमाने हो गए, और जिन बच्चे कुछ मुल्कों में बादशाह है ना उन्होंने तीन तीन चार चार शादियां की हुई हैं, और ये बात तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे अम्मी आप छोड़े, आप भी इसकी कहां बातों में लग गई, मुझे बताएं कि मैं शादी पे दूं क्या। अरे अम्मी आप पहले मेरी बात सुने, ये देने दिलाने की बात है ना बाद में करिएगा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए शादी है, और शादी है तो फिर कपड़े चाहिए होंगे, कपड़े चाहिए तो फिर मुझे बनाने पड़ेंगे, जब बनाने पड़ेंगे तो माइयों के लिए एक पीला जोड़ा, और बारात के लिए एक लहंगा, और हाँ वलीमे के लिए ना एक मैक्सी सिलवा दें, स्काई ब्लू कलर की हो और सिल्वर कलर का काम हो तो क्या ही बात है फिर तो।
बस करते यार, बारी भरी पड़ी है, गिरे जा रहे हैं, जगह नहीं है उसमें अब। सही तो कह रही है अम्मी। अब्बू से खुद ही बात कर लूंगी। ठीक है, करें करें, आप दोनों बातें करें, अब्बू से बोलूंगी। उसी ने सर चढ़ाया है, जब ही इतना उछलती है। अब्बू मुझे नए जोड़े बनवाने शादी के लिए, इतने अच्छे अच्छे डिजाइन आए हुए मार्केट में। सच में आपको याद है ना, मेरी दोस्त की जो बहन की शादी हुई थी, तो मैं गई थी मार्केट उसके साथ शॉपिंग करने, तो मुझे ना वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के जोड़े पसंद आए थे। एक तो बहुत ही अच्छा लगा था, मुझे बिल्कुल वैसा जोड़ा चाहिए शादी के लिए। हाँ तो बनवा लो, क्या मसला है? अरे मसला है ना अब्बू, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा तो ये मसला है, तो फिर एक काम करो, जब बाजार जाओ ना, तो फिर मुझसे पैसे लेते हुए चले आना। ये हुई ना बात मेरे प्यारे अब्बू। अब्बू बाजी की अलमारी भरी पड़ी रहती कपड़ों से, और वैसे अभी भी इन्होंने अपनी दोस्त की बहन की शादी में नए नए जोड़े तो बनवाए थे। देखे अब्बू कैसे नजर रखते हैं मेरी सारी चीजों पर। शामिल बेटा, मेरी बेटी को कुछ मत कहा करो, इसको जो चाहिए जो लेना हो उसको लेने दिया करो। यार एक ही तो बेटी है मेरी। अरे अब्बू उसे क्या पता, बेटियां कितनी लाडली होती हैं बाप की। बड़ा आया बाजी की अलमारी तो भरी पड़ी है कपड़ों से। चलो जाओ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? खाला है मेरी। अच्छा खाला है, मेरी फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, नहीं था। आंटी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रही हूँ ना अभी, क्लास फेल हूँ मारू की। अच्छा अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप लोग? आंटी मैं बड़ी हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा तो बड़ी बहन है आप, फिर तो सारी जिम्मेदारी भी आप पर होंगी। क्या बताऊँ आंटी, मैं बड़ी हूँ, जाहिर जिम्मेदारियाँ तो होंगी ना, अम्मी के काम, कभी छोटे भाई के काम, इन्हीं जिम्मेदारियों ने तो मुझे बहुत संजीदा बना दिया है। हर वक्त कभी ये काम कभी वो काम, बस ना पूछें। कभी आइएगा ना आप हमारे घर। हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। अच्छा आप लोगों ने लंच किया? नहीं खाला। अच्छा तो आप लोग लंच ऑर्डर करें, मैं जरा फ्रेश हूँ। जी जी। अच्छा तो सारी जिम्मेदारी आप पर है। हाँ हाँ, जरा तुम्हें एहसान नहीं मानना ना, तुम्हारी सास के सामने मैंने कितनी जबरदस्त एक्टिंग की ताकि तुम्हारी सास खुश हो जाए, और सोचो मारूफ की दोस्ती कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों से। बहुत शुक्रिया, बड़ा एहसान है आपका। हाँ इस एहसान को ऐसे ही मत जाने दो, जरा कुछ अच्छा सा मंगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। यार मैं अक्सर तेरी स्मार्टनेस पे हैरान होती हूँ, इतना खाती है पता नहीं जाता कहाँ है। अरे मत हैरान परेशान हुआ करो मेरी जान, वैसे भी ज्यादा सोचने से ना दिमाग कम हो जाता है, तुम्हारे पास तो वैसे भी कम है। ऑर्डर करो जल्दी से, भूख लग रही है मुझे। तुम करो ना ऑर्डर। क्या खाओगे? ओहो आ गए तुम, और अम्मी कहाँ हैं? वो सामने जो आंटी रहती हैं, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो उनके ताज़ियत के लिए गई हैं। वैसे पका क्या है, बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? तुम्हें हर वक्त भूख लगती रहती है, ये कोई वक्त है खाने का? दोपहर के 4 बज रहे हैं मोहतरमा। 4? हाय अल्लाह, इतनी जल्दी 4 कैसे बज गए आज? जरा याद है अम्मी क्या कर गई थी दाल चावल बनाने को, क्या बनेगा बाजी आपका? ठीक है, अगर मैं खाना बनाना भूल गई तो तुमने मेरे आने वाले फ्यूचर का डिसाइड कर लिया कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती। तुम जाके बाहर से लेकर आ जाओ आज खाना। इतनी धूप में मैं बाहर नहीं जा रहा, चले खाना बना के दें आप। आहा, मैं कोई तुम्हारी मुलाजिम हूं जो इतना रोब डाल रहे हो मुझ पर? बड़े आए, इतनी गर्मी में बाहर नहीं जा रहा। पता भी है सुबह में मासी नहीं आई थी, सारे घर का काम ना मैंने अकेले किया है। इतनी धूल मिट्टी तो पड़ी चीजों पर, सुबह से किया क्या है आपने? धूल मिट्टी नजर आ रही है तुम्हें? अच्छा तो सारे घर की सफाई खुद कर लेते, पता चल जाता क्या किया है मैंने सुबह से। बड़े आए, एक अकेली जान मुझ पर 100 मुसीबतें डाल दी है। आपसे तो बात ही करना फजूल है। हाँ हाँ तो नहीं करो, मैंने भी तुमसे नहीं बोला, चलो भागो यहाँ से। ये काम कर दो वो काम कर दो, हर वक्त जिंदगी साथ की भी मेरी। कौन है? हेलो हेलो, घर पहुँच गई और बताया भी नहीं। तुम्हें क्यों बताऊँ, हर चीज बता दूँ तुम्हें? बहुत बदतमीज हो। खैर पता है मेरे जेठ आसिम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, अब यहीं शिफ्ट हो रहे हैं। उनको यहाँ किसी कंपनी ने बहुत अच्छी जॉब ऑफर की है। अच्छा तो क्या तुम्हारे घर पर शिफ्ट हो रहे हैं? अरे नहीं पागल, इसी शहर कराची में। काफी पढ़े लिखे हैं मेरे जेठ, पर वासिफ के मुकाबले में काफी कम गुण हैं।
अच्छा बस बस, लेकिन तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए क्योंकि खाला तुम्हारे घर आना चाहती हैं। हाँ, मेरे घर? मेरे घर क्यों? ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक उनके बड़े साहबजादे भी शादी के लिए राजी हो गए हैं। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। हाय निम्रा, कितना अच्छा होगा ना, हम एक ही घर में जाएंगे, रिश्तेदारी हो जाएगी हमारे दरमियान। अरे लेकिन मैं अभी कोई शादी वादी के मूड में नहीं हूँ। अब ज्यादा इतराओ मत, मेरी अम्मी ने तुम्हारी अम्मी को फोन भी कर दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे तो लड़का काफी माकूल लगा है। कमगो और समझदार है, मेरे ख्याल है निम्रा के लिए मुनासिब है। हाँ, मुझे भी कुछ मुनासिब ही लगा। वैसे कब तक इरादा है? मारू की खाला कह रही थी कि वो पहले अपने बड़े बेटे की शादी करेंगी, इसीलिए उनको जल्दी है, वरना आपको तो पता है कि मारू की शादी की तारीख तय हुई हुई है। अच्छा, निम्रा से कल बात कर लूंगी। निम्रा की उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं सबकी शादियां हुई हुई हैं या रिश्ता हुआ हुआ है। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, लोग सौ सौ तरह की बातें करते हैं। मैं सिर्फ निम्रा को अपना फैसला सुनाऊंगी। अच्छा ठीक, जैसे मान लो। अच्छा एक काम कर दो, मुझे जो है एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। हाँ चाय मैं बना देती हूँ, लेकिन मुझे पता है आप अखबार पढ़ेंगे, ये लाजमी है आपका। थैंक यू। ला रही हूँ। अम्मी आपको अपनी बेटी की बिल्कुल फिक्र नहीं, आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी राय जाने बगैर ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इन मामलों का क्या पता। हम भी तुम्हारी शादी जल्दी करना नहीं चाहते, लेकिन आसिम बहुत अच्छा लड़का, सुलझा हुआ है और दर हकीकत तो तुम्हारे लिए मुनासिब है। तुम्हारा शौहर भी तुम्हारी तरह लाओ बाली होगा ना, तो घर का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। अब कम से कम तुम कोई नादानी करोगी तो वो संभाल तो लेगा। उसे तो बात करी नहीं, सीधा सीधा उठकर चले गए बस अपनी बात सुनाकर। मुबारक हो बहना, इस बात पे तो मिठाई होनी चाहिए। वैसे शादी के बाद बदल तो नहीं जाएंगे, और आप बहने तो बड़ी ही बेवफा होती हैं, शादी के बाद तो बदल ही जाती हैं, और आप तो शुरू से ही मतलबी बहन रही हैं। क्या क्या कहा तुमने? मैं और मतलबी? तुम्हारा दिमाग विमाग ठीक है? मुझ जैसी बामुरव्वत शख्सियत तो तुम्हें पूरी दुनिया में भी नहीं मिलेगी। क्या समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया में भी नहीं मिलेगी। और मिठाई जो खानी है ना, वो जो लड़के वालों के घर से टोकरा आया ना, उसमें से निकालो मिठाई, एक प्लेट में रखो और मेरे लिए भी लेकर आ जाओ, मैं भी खा लूंगी। हाँ। खुदा के लिए बाजी, अब तो खाने पीने पर कंट्रोल करें, शादी से पहले मोटी हो जाएंगी। तुम्हें क्या मसला है मैं मोटी हूँ या पतली हूँ? और वैसे भी मेरे नजदीक तो ना शादी का बस यही चाम है कि मेरे नए नए कपड़े बनेंगे, नए जूते आएंगे, मेरे नए नए पर्स आएंगे, और मैं तो सोच रही हूँ कि ना 6-7-8 हाँ इतनी तो साड़ियाँ भी ले जाओ अपने साथ। हाँ। मैं तो खूब इंजॉय करूंगा आपकी शादी में, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ कर लेना जो है, मैं कब मना करूँ, जितना दिल चाहे करना। हाँ और अपने उन बदतमीज दोस्तों को ना बुलाना, मुफ्त में आ जाएंगे फजूल में मेरा दिमाग खराब करने। तौबा है बाजी, अब तो सुधर जाए, शादी सर पर है आपकी। सुधर जाए क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या शादी सर पर है? जिनकी शादी सर पर होती है क्या उनके सर पर सींग निकल आते हैं? हाँ जाओ, जाके मिठाई लाने का बोला है ना वो लेकर आओ। मैं तो जैसी हूँ ना मैं वैसी ही रहूंगी, मैं कोई नहीं बदलने वाली हूँ। और गुलाब जामुन भी लेकर आना। बेचारे आसिम भाई, चला आ रहा हूँ मिठाई। बहुत ज्यादा नहीं बोलने लग गए हो बेचारे आसिम भाई, बहन की फिक्र है नहीं, और जो जिससे पहली दफा मिल रहे हैं वो हो गए बेचारे। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं करता इसके बारे में। बॉस, क्या मैं आपके कमरे में आ सकता हूँ? क्या हो गया फहीम? मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। ये बताओ कॉफी मंगवाऊं? नहीं यार, मैं पी के आया। और यहाँ दिल लग गया तुम्हारा? नहीं भी लगेगा तो लगाना पड़ेगा, अम्मी का इसरार था कि पाकिस्तान आ जाए। मैंने सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई है,
भाभी कैसी हैं? अगले माह की डेट फिक्स हुई। पता नहीं लड़की कैसी है, अम्मी ने तो सिर्फ मुझे पिक्चर दिखाई। तो तुम्हारी शादी को तो चंद दिन बाकी है, तो मैं तो अपनी मंगेतर से बात करनी चाहिए। मैं क्या करूंगा बात करके, सारी लड़कियां एक जैसी ही तो होती हैं। लगता है तुम सानिया को भूले नहीं। कम ऑन यार, जिंदगी एक इंसान पे ख़त्म नहीं होती है और सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। वैसे भी शादी से पहले की मोहब्बतें बेकार होती हैं, असल मोहब्बत शादी के बाद होती है। मेरा मुखलिसाना मशवरा है तुम्हें, तुम अपनी पुरानी सारी बातें भूल जाओ और अपनी आने वाली ज़िंदगी को नए सिरे से वेलकम करो। और खाला ने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है अच्छी होगी। बीवी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है जो कि हर कदम पर अपने शौहर का साथ देती है। वैसे भी मैंने तुमसे कहा असल मोहब्बत शादी के बाद होती है। निकाह में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है जो कि दो अनजान लोगों को शादी के बाद एक दूसरे की जान बना देती है। कम ऑन यार, चिल करो यार, ये छोड़ो और बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। बेटा, बेटियां माँ बाप के घर में जैसे चाहे जिंदगी गुजार लें, लेकिन ससुराल में बहुत मुश्किल हो जाती है। और वैसे भी शादी करना तो आसान है, लेकिन इसे निभाना बहुत मुश्किल काम है बेटा। शौहरों को ना वो बीवियां बहुत ही अच्छी लगती हैं जो उनकी हर बात अच्छी तरह माने। और अगर तुम्हें बेटा अपने शौहर के दिल में घर करना है ना, तो उसकी हर बात को हुक्म समझ के मान लेना। दादी जान, वैसे एक बात बोलूं, आप ना मुझे बहुत डरा रही हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो हकीकत बता रही हूँ। और ये जो साइमा तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें डांटती है ना, वो इसलिए बेटा कि बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। उन्हें एक दिन अपने बाप का घर छोड़कर ससुराल जाना होता है। और बेटा, वालदेन का दिल तो समंदर की तरह गहरा होता है, वो अपनी औलाद की हर गलती को माफ कर देते हैं। और ख़ास कर शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए औरत को कुर्बानियाँ देना ही पड़ती हैं, जब जाके ये शौहर अपने होते। तौबा तौबा, उफ़, कि शोहर ना हुआ ऐसा लग रहा है खुदा हो गया, नाउज़ुबिल्ला। लेकिन बेटा, मिजाजी खुदा तो होता है ना, तुम्हें बहुत समझदारी से अपने घर को लेकर चलना होगा। और मुझे यकीन है तुम दानियाल और साइमा की तरबियत पे आंच नहीं आने दोगी। वैसे भी बेटा, तुम्हारा ससुराल ना इस्लामाबाद में, तुम वहाँ पे अपने शोहर के साथ अकेली होगी, कोई तुम्हें बड़ा नहीं होगा वहाँ समझाने के लिए। इसलिए ये सारी बातें तुम्हें समझा रही हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा? जी। मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दिखाए, सदा सुहागन। कोई बात करनी है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं करनी। मैं ही पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ।
घर में इतना भारी जोड़ा पहना हुआ, कोई हल्का सा सूट नहीं है क्या तुम्हारे पास? उलझन हो रही है मुझे तुम्हें देखकर। जाओ चेंज करो जाकर। आसम आप शायद भूल रहे, मैंने आपको बताया था ना कि अम्मी ने दावत पर बुलाया है हमें, इसलिए तो मैं तैयार हुई हूँ। फिर तो बिल्कुल सही जोड़ा पहना। मैं ये कह रही थी कि टाइम हो गया है, आप भी रेडी हो जाएं अगर तो सही रहेगा, वरना हम लेट हो जाएंगे। यार मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे ऑफिस के काम से जाना है जल्दी, तो एक काम करो तुम कैब करवा के निकल जाओ। छोड़ने क्यों नहीं आया? दादी वो उनकी कोई अचानक मीटिंग आ गई थी, वो आते लेकिन काम की वजह से उन्हें जाना पड़ा। तो बेटा बता देती, हम किसी और दिन खाने पे बुला लेते जिस दिन आसिम फारिग होते। अम्मी उनके बहुत सारे ना पेंडिंग में काम पड़े हुए थे ऑफिस के, शादी की वजह से बहुत सारी चीजें रह गई थी, काम भी तो जरूरी है ना। और कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, मैं आप दोनों के हाथ के बनाए हुए खाने खाऊंगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, खाओ या आसिम खाए एक ही बात है। अच्छा तुम्हें लेने तो आएगा ना अम्मी? वो मुझे याद आया, हाँ वो आसिम ने मुझे कहा था निकलते निकलते के ना, उन्हें ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है तो वो नहीं आ सकेंगे। मैं शामीर के साथ चली जाऊंगी। अच्छा तुम खुश तो हो ना, और देखो आसिम को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, आसिम तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हर छोटी छोटी बात का बहुत ध्यान रखते हैं। बेटा देखो तुम समझदारी से काम लेना। हमारी निम्रा कितनी समझदार हो गई है ना, पहले कैसे तेज तेज बातें करती थी और बिना सोचे समझे बोलती थी। मैंने कहा था ना हमारी निम्रा बहुत समझदार है। हाँ लेकिन मुझे एक बात खटक रही। वो क्या? आसिम ना खाने पे आया और ना बीवी को लेने आया, ऐसा तो नहीं है कि निम्रा को छुपा रही है? अरे भाई नई नई जॉब है उसकी, मसरूफ होगा उसमें। लेकिन ऐसी भी क्या मसरूफियत कि अपनी बीवी को भी लेने नहीं आया? अच्छा ना चलेंगे एक दो दिन में उसके घर पे। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। जानता हूँ माँ हो ना तुम उसकी, इसलिए तुम्हारी तसल्ली के लिए चलेंगे उसके घर। हाँ उसको देख के शायद मुझे तसल्ली हो जाए, मुझे उसकी बड़ी फिक्र होती है जब इतनी लाड में बच्ची पलती है ना, तो माँ बाप को फिक्र ही हो जाती है कि वहाँ जाके पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। निम्रा जी, ये क्या हालत बनाई दी है कमरे की? मैं किचन के काम में मसरूफ थी ना, तो इसलिए मैं अभी साफ कर देती हूँ। ये काम मेरे आने से पहले किया करो, समझी? मुझे नफरत है इस फैलावे से। जी मैं कर रही हूँ बस।
आइए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। कैसी हो बेटा? आप लोग ऐसे अचानक, मुझे बताया भी नहीं। बस माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई क्या? पागल हो क्या? मुझे बहुत खुशी हुई है। बैठे बैठे ना अम्मी। ये लो, ये तुम्हारे लिए और आसिम के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं। अम्मी अब्बू, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? फजूल में ही लेकर आए आप लोग। ना साफ सुथरा घर है बाजी, आपने जिनका हुआ क्या सफाई के लिए? पागल हो, सारे घर की सफाई मैं खुद करती हूँ। वो आसिम को घर बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं पसंद। ये क्या तुम नॉर्मल से सूट पहनी हुई हो? और अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? शादी से पहले भी तुम ऐसे सूट तो नहीं पहनती थी। अम्मी वो आसिम को भरे भरे कपड़े नहीं पसंद, इसलिए। तुम जो जहेज में इतने कलरफुल और भरे हुए सूट लेकर आई हो, उसका क्या होगा? वो कपड़े वो तो आसिम ने इस्लामाबाद में अपनी बहनों को और कुछ कजन्स को दे दिए। तो तुमने कुछ नहीं कहा? जब आसिम को ही पसंद नहीं है तो फिर मैं रख के क्या करती अम्मी, इसलिए दे दिए। आसिम घर पर नहीं है क्या? नहीं नहीं अब्बू, घर पर ही हैं। वो सो रहे हैं, ऑफिस के काम की वजह से थोड़े थके हुए थे। मुझे कहकर सोए थे कि डिस्टर्ब नहीं करना। आप लोग बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इन सब तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, यहाँ आके बैठो। तुम्हारी माँ मिलने के लिए परेशान थी तुमसे, बहुत उदास थी, इसलिए इनको लेकर आया हूँ मिलवाने के लिए। बहुत अच्छा किया अब्बू। क्या बात है बाजी, क्या सी मैंने आपकी जबान पर ताला थोड़े डाल दिया? कितना कम बोलने लगे आप। पागल हो, आराम से बोलो। शायद आसिम उठ गए, मैं देखती हूँ। अम्मी अब्बू, आप लोग पहली बार देखें घर पर आए तो खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं। मैं आसिम को देख कर आती हूँ, ठीक है? आप बैठें। बेटा कभी आओ ना हमारे घर भी चक्कर लगाओ। इतना टाइम का है मेरे पास? मीठा खाइए। वैसे निम्रा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाने लगी। थैंक यू अम्मी। कहाँ आंटी, चावलों में नमक कितना कम डाला था, सारा मुंह का जायका ही खराब कर दिया। आसिम आपने कोरमा तो खाया ही नहीं। खाना तो मेरी माँ बनाती थी, एकदम मजेदार। एक बार खाओ तो बार बार खाने को जी चाहता है। अरे आप लोगों ने ये शीर खुरमा लिया नहीं, मैंने आप ही लोगों के लिए तो बनाया है। अम्मी अब्बू शामिर दे ना अम्मी। अम्मी आप दादी को क्यों नहीं लेकर आई? बेटा दादी खुद बहुत तुम्हें याद कर रही हैं। तुम आओ ना किसी दिन आसिम के साथ घर पे। सॉरी आंटी, मैं आने का वादा तो नहीं करता, लेकिन निम्रा आ जाएगी। हाँ निम्रा। हाँ मैं आऊँगी ना अम्मी, बिल्कुल आऊँगी। अच्छा आप लोग बैठकर बातें करें, मुझे ऑफिस का जरा काम करना है, फिर मुलाकात होगी। ओके टेक केयर। अम्मी वो मैंने आपको बताया था ना, अब्बू आसिम की नई नई जॉब लगी है ना, तो वो मीटिंग्स वगैरह काफी होती हैं, थक जाते हैं बेचारे, काम में ही लगे रहते हैं 24 घंटे, इसीलिए मैं आपकी तरफ भी नहीं आ पाती, टाइम ही नहीं मिलता उन्हें। ठीक है बेटा, हम लोग भी चलते हैं। कोई बात नहीं बाजी, आपको जब भी आना हो मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आ जाऊँगा। निम्रा कितने बरसों से मैं तुम्हें समझा रही थी कि अक्ल पकड़ लो, अब देखो पिया देश आई हो तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, गुड़िया और खिलौने कितने पीछे रह गए। आपने देखा मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई। अच्छा अब ये सारी बातें छोड़ें और ये मीठा जो मैंने बनाया ये खाएं ना, इतनी मेहनत से बनाया है मैंने, बताएं कैसा बना। अच्छा चलो निकालें, शामिर को भी दें। ये लो बेटा। अब तो एक्सपर्ट हो गई है भाई पकाने में। यार फहीम क्या हुआ उसका कंसाइनमेंट का? कंसाइनमेंट के लिए मैंने बात की है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। यार जल्द से जल्द ये क्लियर करके देना उन्हें। हाँ हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह जो भी अपडेट होती है मैं तुम्हें बताऊँगा। हाँ दिया। हाँ हाँ बस मैं आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ। हाँ बस आए, ठीक है, ओके। किसकी
भाभी की कॉल थी। आज उसका बर्थडे, घर से आ रहा हूँ। बहुत डरता है तू भाभी से। मैंने कहा ना, बीवी हर कदम पे शौहर का साथ देती है। वो सबसे अच्छी नेमतों में से एक नेमत बीवी भी है। तो डरता नहीं हूँ, मोहब्बत है मुझे उससे बहुत। तुझे पता है, दो अनजान लोग शादी के बाद एक दूसरे की जान बन जाते हैं। और किसी फजूल लड़की की वजह से अगर तू भाभी को अजियत देगा तो तेरी जिंदगी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरा काम तुझे समझाना था, बाकी तू खुद बैठे जाना। चल चलता हूँ। निम्रा, मुझे पानी तो पिलाओ। जी दे रही हूँ। कहाँ रह गई? ये ले। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक? हाँ मैं तनी बस चक्कर आ गया था, ठीक हूँ। अच्छा बैठो यहाँ, ये पानी पियो। नहीं मैं ठीक हूँ आसम। से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, कुछ भी काम हो तो मुझे बताओगी। लेकिन मुझे खाना तो पकाने दे। कोई जरूरत नहीं, बैठी रहो चुपचाप। सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? बेड रेस्ट करना है।
निम्रा, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी की खबर दी है निम्रा। मेरा मेरा बस नहीं चल रहा, मैं सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में रखूं। दरअसल काफी अरसे बाहर मुल्क अकेले रहा, बहुत से रिश्तों को जान नहीं सका, पहचान नहीं सका। मुझे माफ कर दो निम्रा, मैंने हर बार तुम्हारे साथ ज्यादती की पर तुमने हर बात को मेरे हुक्म की तरह माना। मुझे माफ कर दो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं। शोरों को ना वो बीवियां बहुत ही अच्छी लगती हैं, जो उनकी हर बात अच्छी तरह माने। और अगर तुम्हें बेटा अपने शोहर के दिल में घर करना है ना, तो उसकी हर बात को हुक्म समझ के मान लेना। ओ हेलो, क्या सोच रही हो? ये लो पानी पियो। नहीं कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी अम्मी को कॉल कर दूं। क्यों कॉल कर दूं? मैं खुद तुम्हें अम्मी के घर लेकर जाऊंगा और साथ में हम मिठाई भी लेकर जाएंगे। इतनी बड़ी खुशी की खबर फोन पर ना दो। जी, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा क्या खाने को दिल चाह रहा है? आज हम बाहर से ऑर्डर करते हैं। आपका जो दिल करे वो मंगा लें। क्या पिज़्ज़ा? हाँ ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे मेरे सब्र का सिला दे दिया। वरना तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी है बस यही है, आसम कभी तब्दील नहीं होंगे। ऐ अल्लाह, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। तूने मुझे औलाद की खुशी देकर मुकम्मल किया और आसम का दिल भी मेरी तरफ पलटा दिया। दादी ने बिल्कुल ठीक कहा था, घर बसाने के लिए औरत को ही सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी होती है। घर बसता ही औरत की बर्दाश्त से है और औरत ही इसको जन्नत बनाती है। औरत चाहे तो अपनी मोहब्बत और सब्र से पत्थर को भी मोम कर सकती है। आज मैं ये बात सीख चुकी हूँ, असली इंसान जबान के पर्दे में ही छुपा है और एक चुप सौ को हराती है।